Everyone and welcome back to SK Money Kitchen. We're back again with another video of mine after quite long days. तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज फिजिक्स में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की फिजिक्स की ब्रांचेस कितनी होती हैं कि ये कहाँ से अराइज करती हैं विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो पहले अबाउट द टर्म फिजिक्स इटसेल्फ देख लेते हैं कि इसके ओरिजिन कहाँ से हुई. इनफैक्ट फिजिक्स के टर्म की भी ओरिजिन अगर आप ट्रेस करो तो ये रफली 19th सेंचुरी में इस टर्म को यूज करना शुरू किया गया था. फिजिक्स की मेन जो ओरिजिन है वो नेचुरल फिलोसफी से आती है. उसमें जब आप मैथमेटिक्स अप्लाई करने की कोशिश करते हो दैट इज वाई सर आइजैक न्यूटन की फेमस बुक प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल वर्क एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंसेस एज कोटेड बाई द ग्रेट स्टीफन हॉकिंग इन हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हिमसेल्फ. तो यहाँ पे उसका जो नाम है दैट इज फिलोसोफी या नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिकल विच ट्रांसलेट्स इन इंग्लिश टू मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी. सो यू कैन क्लियरली सी कि फिजिक्स इज व्हाट दिस इज की नेचुरल फिलोसफी की मैथमेटिक्स. सो यहाँ पे फिजिक्स की ओरिजिन की हम लोगों ने देखा कि रफली 19th सेंचुरी में टर्म यूज करना शुरू किया गया. तो इसकी जो ओरिजिन है यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक इसके जो वेरियस ब्रांचेस हैं उसमें से जो फाउंडेशन इसकी होती है दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स. द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स लाइज इन क्लासिकल मैकेनिक्स जिसकी फाउंडेशन गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन ने ले की थी. तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स मे बी यू वांट से कि सिंपली न्यूटनियन मैकेनिक्स आपने देख लिया. न्यूटनियन मैकेनिक्स आर द ये बेसिकली इट इज ऑल ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स. डेफिनेटली न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की फाउंडेशन को ले लिया था एंड यहाँ पे न्यूटन वॉज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. न्यूटन एंड गैलीलियो आर प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू पीपल फॉर द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. लेकिन इसमें दो और काइंड के मैकेनिक्स आ जाते हैं लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स. लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स अब यहाँ पे न्यूटनियन मैकेनिक्स जो कि आइजैक न्यूटन ने बिल्ड किया था गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया को मॉडिफाई करके. इसमें आप जो प्रिंसिपल यूज करते हो दिस इज एफ इक्वल्स एम ए एक कॉन्स्टेंट मास के केस के लिए वरना एक मोर जनरल इक्वेशन होता है एफ इक्वल्स डी पी बाई डी टी एंड यहाँ पे एज वेक्टर से नहीं यूज किया जाता है. आई एम राइटिंग देम एज नॉर्मल स्केलर्स. दिस इज वॉट न्यूटनियन मैकेनिक्स बिल्ड्स ऑन. इसी इक्वेशन का यूज करिए आप सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर सारे पार्टिकल्स की स्टडी करते हो एफ इक्वल्स डी पी बाई डी टी का यूज करके. इसमें ऑब्वियसली फोर्सेस के कुछ नेचर का आप यूज करोगे जैसे इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स यू माइट यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ कि यहाँ पे एक एक्शन रिएक्शन पैर बन रहा है लेकिन एक्चुअल में उसे कैरी आउट करने के लिए यू आर यूजिंग एफ इक्वल्स डी पी बाई डी टी. तो एफ इक्वल्स डी पी बाई डी टी को नेचर फोर्सेस के नेचर को के साथ कंबाइन करके फिर सॉल्व एवरीथिंग ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स दैट इज ऑल देयर इज टू न्यूटनियन मैकेनिक्स. लेकिन हम लोग इतने सारे चैप्टर्स इसलिए पढ़ते हैं कि टू लर्न हाउ टू अप्लाई दिस थिंग इन वेरियस केसेस एंड वो केसेस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फाउंडेशन इसकी यही है. लैग्रांजियन मैकेनिक्स में ऑन द अदर हैंड आप यूज करोगे ये टर्म विच यू कॉल लैग्रांजियन दैट इज टी माइनस वी. T is the kinetic energy of the particle, V is the potential energy of the particle. So T minus V आपने किया, then you get what you call this quantity as Lagrangian, and इसी का use करके you will solve various things in physics. ये Lagrangian कैसे use होते? So when you learn Lagrangian mechanics, then you will realize जो भी differential equations बनते हैं इस Lagrangian को involve करके आप ये calculate करो. उस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करो एंड यू कैन कैलकुलेट द स्टेट और वॉट एवर फॉर एनी गिवन पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपको करना है. हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में ऑन द अदर हैंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम यूज होता है टी प्लस वी दैट इज अ हैमिल्टनियन एंड इट इज ऑल्सो सिमिलर टू लैग्रांजियन मैकेनिक्स एक्सेप्ट यहाँ पे आप हैमिल्टनियन ऑपरेटर का यूज करोगे. तो दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स. इसी में वेव्स भी आते हैं जो कि न्यूटनियन मैकेनिक्स का ही आप एक पार्ट मान सकते हो क्योंकि वेव्स बेसिकली आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे मान लो अलोंग अ स्ट्रिंग आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो. सो द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो आपको क्लियरली पता है कि ये अगेन न्यूटनियन मैकेनिक्स का ही पार्ट हो गया. तो जो वेव्स का टॉपिक है वो न्यूटनियन मैकेनिक्स से ही अराइज होता है.
ऑन द अदर हैंड अगर आपने थर्मल फिजिक्स को देखा तो इट इज क्विट अ रियली ब्रॉड टॉपिक इन इट्स ओन. थर्मल फिजिक्स यहाँ पे आपने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. अब थर्मोडायनेमिक्स में अगेन यू विल यूज एनर्जी के रिलेशंस. यहाँ पे आपने हीट देखा, यहाँ पे आपने इंटरनल एनर्जी देखा, या फिर ऐसी काइंड के मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को देखते हो, प्रेशर को देखते हो, वॉल्यूम को देखते हो, फिर मैक्रोस्कोपिक रिलेशंस में आप यहाँ पे डेल्व करते हो. सो जो भी आपके पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज या फिर वेरिएबल्स, उनका यूज करके किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक स्टेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, थर्मल स्टेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑन द अदर हैंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसी चीज को अंडरस्टैंड करता है. तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज से डीलिंग करते हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या फिर एटम एंड ऐसी सारी चीजें, उससे कैसे उसकी इंटरनल एनर्जी या फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेट कर रहे हो. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. इनके जो मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है दोनों स्टडीज में सेम है, दैट इज वाई सेम इनको अगर कहा जाए तो यहाँ पे दोनों थर्मल फिजिक्स के ही पार्ट हैं. लेकिन एक मैक्रोस्कोपिकली उस चीज को समझता है, दूसरा माइक्रोस्कोपिकली समझता है. ये जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को देखते हो तो ये अगेन एक क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स से मैं नहीं करूँगा. ऑल्दो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काफी न्यूटन्स लॉज यूज होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी एक क्लासिकल फिजिक्स है. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्लासिकल भी हो सकता है, क्वांटम भी हो सकता है, रिलेटिविस्टिक भी हो सकता है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अगर इसे क्लासिकल लेवल पे समझा जाए सो द काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस कुछ अजम्पशंस पे रिलाई करती है जिसके बेसिस पे ये किसी भी गैस के या फिर ऐसे किसी भी बॉडी के स्टेट को समझने की कोशिश करती है, द काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस. इसी चीज को मॉडिफाई करके इसके रिलेटिविस्टिक वर्जन को भी देख सकते हो एंड और मॉडिफाई करके इसके क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की भी स्टडी कर सकते हो. सो दिस इज क्वाइट अ न्यू टॉपिक. तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज ऑल्सो देयर एंड रिलेटिविस्टिक और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज ऑल्सो देयर. यहाँ पे आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है विच इज अगेन अ क्लासिकल फिजिक्स. तब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद देख लेते हैं द थर्ड टॉपिक विच इज अ रियली ब्रॉड टॉपिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आप सबको पता है कि सेम फेनोमेना है. मैग्नेटिज्म अगर देखा जाए तो ये अराइज भी कहाँ करते हैं, इट इज अ रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मैग्नेटिज्म इज अ रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो ये सेम फेनोमेना आपको लग सकते हैं, आपसे बताया भी गया कि ये सेम ओरिजिन से, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशंस अगर आप स्टडी करने की चाहो विच आर रियली इंपॉर्टेंट रिलेशंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. मैक्सवेल इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए सो इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस. ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया विच इज गॉस लॉ. देन यू हैव कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ नेगेटिव टाइम पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन यू हैव ओवर हेयर, उसके बाद आपके पास हो गया डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज द टाइम डेरिवेटिव पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस करंट डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये आपके फोर मैक्सवेल के क्वेश्चंस हो गए. इन्हें आप दूसरे फॉर्म में मोर लाइक एल्जेब्रिक टाइप के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, अगर इसके इंटीग्रल फॉर्म में भी मे बी आपने पढ़ा होगा इस चीज को. लेकिन दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि एक ज्यादा आई गेस इस डिफरेंशियल फॉर्म में यू कैन कन्वे अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन बाय जस्ट हैविंग अ लुक ऑफ इट. अगर आपको टर्म्स के मतलब समझ आते दैन इसी चीज के जो दूसरे फॉर्म्स हो गए, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज ओवर में एप्सिलॉन नॉट. तो पहली चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट बोलना छोड़ दो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट या फिर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट.
हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं जानना, हमें किस चीज को, हमें इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना है. सो इट माइट बी बेटर टू से दैट द क्लोज सरफेस, दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो माइट बी बेटर टू से सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट. All right. In fact, closed surface integral, remember. तो वो तो integral form हो गया. भाई just having a look of it, इसे differential form में लिखा जाए, so we can convey lot more information. वरना mathematically तो दोनों same amount of information देंगे. So I chose to write it in differential form, which you may or may not have learned until now. 12th standard में you will not learn it in differential form. बट यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चीज बस करो कि जब हमारे चार्जेस एंड करेंट्स स्टैटिक होते हैं, जब हमारे चार्जेस एंड करेंट्स स्टैटिक होते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के टाइम डेरिवेटिव ऑब्वियसली जीरो होंगे. तब इस चीज इन दोनों चीज को अगर आप जीरो करते हो फॉर अ स्टैटिक केस जहाँ पे चार्जेस एंड करेंट्स स्टैटिक है, आपको क्या मिला? ये चीज वही रह गई. द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, the divergence of magnetic field is zero, the curl of magnetic field is vector j over epsilon naught. आपको दो kind of pair of equation मिलेंगे. For one pair there will only be electric field involved, for the other pair there will only be magnetic field involved. मतलब जब तक आपके पास current and charges static हैं, electricity magnetism distinct phenomena होते हैं. जब यही चीज जो हमारी होती है चेंज करती है टाइम के साथ, देन दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, देन दे आर कंबाइंड फेनोमेना. मैग्नेटिज्म इज इनफैक्ट जस्ट अ रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है. उसके साथ आपका आ जाता है टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स आपने इसे सेपरेटली पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्टिक्स की भी जो ओरिजिन लाई करती है. अब देखो यहाँ पे क्लासिकल वे में अगर आप क्लासिकली देखते हो तो ऑप्टिक्स ऑब्वियसली एज अ सेपरेट फेनोमेना ट्रीट किया जाता था. इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ यूनिफाई किया गया. तो पहले तो ऑप्टिक्स को लाइट की स्टडी को, दिस इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर, लाइट एंड इट्स इसकी बिहेवियर, लाइट की इंटरेक्शन की स्टडी है. लेकिन सिंस यहाँ पे मैक्सवेल के इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके, इनफैक्ट इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके आप देखोगे कि आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेशन होगी, जिसकी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज में यू गेट व्हाट यू कॉल लाइट. तो आपके पास क्लियरली पता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, जस्ट मैक्सवेल इक्वेशन की स्टडी के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. पहले एज अ सेपरेट ब्रांच था, अब सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर इट राइटिंग ओनली अंडर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ओनली, क्योंकि इट इज नथिंग बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज ऑफ नाउ. तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इन सब की स्टडी की जाती है. बेसिकली जो भी आप मैक्सवेल इक्वेशन से पता कर सकते हो दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बाहर कुछ नहीं. दीज फोर इक्वेशंस एक्सप्लेन ऑल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टू यू. इन फोर इक्वेशन से आप पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ सकते हो. द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर मैक्सवेल इक्वेशन मैथ्स में होते then you need not study everything that you study in electricity and magnetism and ye sari cheeze, kyunki mathematical point of view se aapko yahan se sari electrodynamics mil rahi hai, lekin physics mein we try to understand various things about that through our intuition, through applications. to agar ye math ki cheeze hoti to aapko yahi four equations padhne padte, uske alawa aise koi cheez nahi. lekin physics hai to you will have to learn how to apply this. to ise apply karne ke liye you will study from scratch like Coulomb's law and all these things. aapko scratch se padhaya jata hai. uske baad hamara topic aa jata hai, let's call it relativity. ab yahan pe do theories aa gaye, special and general. special ki original electrodynamics se hui, rather electrodynamics special ki jo importance hai wo electrodynamics से आई. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोई ऐसा सब पार्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैक्सवेल इक्वेशंस को राइट प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी दिया. तो इसे मैं रिलेटिविटी के सेक्शन में लिखता हूँ रादर देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के. तो आपके पास एक हो गई स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरी हो गई जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. क्लासिकल मैकेनिक्स में भी एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी होता है, गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद मॉडर्न रिलेटिविटी. स्पेशल रिलेटिविटी में आप कुछ करेक्शंस, यहाँ से थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन आ गया, ऑल्दो अब तो रिलेटिविटी को भी एक क्लासिकल थियोरी कहा जाता है. स्पेशल रिलेटिविटी इज बेसिकली जो न्यूटनियन मैकेनिक्स के करेक्शंस हैं, जैसे टाइम का कंसेप्ट, लेंथ का कंसेप्ट,
स्पेस टाइम का बेसिकली कंसेप्ट उन्हें एक मॉडिफाई करने की कोशिश करता है मैक्सवेल के इक्वेशंस के यूजिंग, कि मैक्सवेल इक्वेशंस सही हैं, ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती है जिसकी हेल्प से लाइट कहीं प्रोपगेट करे। तो स्पेशल रिलेटिविटी इज नथिंग बट आप क्या कि कैसे ये दुनिया दिखेगी या फिर कैसे चीजें होती हैं जब आप लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हो, लाइट की स्पीड को अप्रोच करना क्यों पॉसिबल नहीं, इन सारे कंसेप्ट से डील करती है। एंड इसने बेसिकली इट हैज लेड, अगर आप देखो तो इसने न्यूटनियन मैकेनिक्स के मेजॉरिटी ऑफ लॉज को भी प्रूव कर दिया कि मोस्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स विच वी हैड बीन स्टडीइंग अंटिल 1900s वो सारी चीजें गलत थी। तो इट डेल्स इन द कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, रादर इसके मॉडिफिकेशंस ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। जनरल रिलेटिविटी, तो ये तो हो गई बहुत हाई वेलोसिटी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट में आप इस रिलेटिविटी का यूज करते हो। जनरल रिलेटिविटी इज द, यहाँ पे जो फिजिक्स है, स्पेशल रिलेटिविटी की भी मॉडिफिकेशन है इन द केस ऑफ ग्रेविटी। जब इसमें ग्रेविटी का कंसेप्ट इंक्लूड करोगे देन यू हैव जनरल रिलेटिविटी, दोनों थियोरीज आइंस्टाइन की है। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है उसके बाद आपका हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अब यहाँ पे इसे ऑफन एज अ वेरी टफ टॉपिक हेल किया जाता है ऑल दिस थिंग। क्वांटम मैकेनिक्स इज बेसिकली कि यहाँ पे ना कैसे एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटमिक एंड न्यूक्लियर लेवल पे आप चीजों को समझने की कोशिश करते हो यूजिंग वेरियस थिंग्स कॉल्ड लाइक श्रोडिंगर्स इक्वेशन, उसे सॉल्व करके किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन आप यहाँ पे बेसिकली फाइंड करोगे। वेव फंक्शन इज व्हाट यू कैन गेट, रादर उसे वेव फंक्शन इज व्हाट यू कैन बेसिकली गेट फॉर एनी पार्टिकल ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। और कुछ आपको मास, यहाँ पे मास या फिर ऐसी सारी चीजें इक्वल्स एमए नहीं यूज करते हो किसी भी पार्टिकल के लिए। अगर इस पोजीशन पे ये है तो प्रोबेबिलिटी कि इस एंड इस पोजीशन के बीच में है वही आप कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट टाइम की वो किस पोजीशन पे है एग्जैक्ट पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये आपके पास हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो मेजॉरिटी ऑफ चीजें प्योर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, सो वेरियस थिंग्स सच एज सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिर एटमिक न्यूक्लियर फिजिक्स मैं नहीं इंक्लूड कर रहा क्योंकि ये सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स से ट्रेस की जा सकती है। तो आई एम इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ प्योर फिजिक्स एंड देन कम्स द मोस्ट एडवांस्ड थियोरी दैट वी हैव इन फिजिक्स टिल डेट। एंड ये कैसे थियोरी जिसे मास्टर करने के लिए नो मैटर हाउ जीनियस ऑफ यू आर, नो मैटर हाउ मच ऑफ अ जीनियस यू आर, कि इस चीज को मास्टर करने के लिए आपको कई साल भी लग सकते हैं, मे बी इवन अ लाइफ टाइम। तो लोग ऑफन कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इज द हार्डेस्ट टॉपिक टू एग्जिस्ट, इट इज द हार्डेस्ट फिजिक्स टॉपिक, हार्डेस्ट टॉपिक टू लर्न। इट इज नॉट, क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट। इनफैक्ट अगर मुझे टफनेस की एक्चुअल में कंपैरिजन करना है एक मैथमेटिकल या फिर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो लेट्स कंसिडर, तो ऑब्वियसली आप क्या लर्न करते हो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं मैथमेटिकल एक्सपर्टीज, लेकिन एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी टफनेस को कंपेयर किया जाए तो जनरल रिलेटिविटी इज इंडीड टफर देन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इज टफर देन स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी इज टफर देन क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स से भी ज्यादा टफ। द मोस्ट एडवांस्ड थियरी ऑफ फिजिक्स अंटिल नाउ इज द क्वांटम फील्ड थियरी। अब क्वांटम फील्ड थियरी क्या, इट सीम्स कि ये तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, तो इसे क्वांटम मैकेनिक्स का एक ब्रांच कहना गलत होगा। जैसे आपके पास जो न्यूटनियन फिजिक्स है, इसी की मॉडिफिकेशन करता है स्पेशल रिलेटिविटी एक काइंड के टाइम डायलेशन एंड ऐसे कंसेप्ट का यूज करके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। न्यूटनियन मैकेनिक्स में टाइम एब्सोल्यूट है सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम है, स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम रिलेटिव होते हैं, डिफरेंटली मूविंग ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम डिफरेंट होता है, इट इज रिलेटिव। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने सुना होगा कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, मतलब समहाउ न्यूटन का क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्वियसली एक मॉडिफिकेशन है, काइंड की मॉडर्न थियरी है, लेकिन न्यूटन का ये टाइम वाला कंसेप्ट यूज होता है कि यहाँ पे टाइम एब्सोल्यूट होता है। क्वांटम फील्ड थियरी में ऑन द अदर हैंड स्पेशल रिलेटिविटी, क्वांटम फील्ड थियरी क्वांटम मैकेनिक्स की एक मॉडिफिकेशन है, अ मोर अप टू डेट वर्जन। तो इसी रीजन से, जिस रीजन से मैंने स्पेशल रिलेटिविटी को क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं लिखा, उस रीजन से मैंने क्वांटम फील्ड थियरी को क्वांटम मैकेनिक्स में के सेक्शन में नहीं लिखा, दैट इज द थिंग। क्वांटम फील्ड थियरी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन इट्स ओन, तो इसे क्वांटम मैकेनिक्स के एक सब ब्रांच कहना गलत होगा। क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप देखते हो तो वो ब्रांच है ऑफ फिजिक्स में जो कि एटमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करता है, नॉट मॉलिक्यूलर, एटमिक एंड न्यूक्लियर लेवल पे, बट विद द कंसेप्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट टाइम।
क्वांटम फील्ड थ्योरी वही चीज करता है, और एंड ऑब्वियसली इट इज अ मोर एडवांस्ड वर्जन और फंडामेंटली उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बट विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव टाइम। तो यहाँ पे दिस इज द इनफैक्ट मोस्ट एडवांस्ड फिजिक्स थ्योरी जो कि अभी तक हमारे पास है, द क्वांटम फील्ड थ्योरी। एंड इनफैक्ट द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स अगर आप देखते हो, सो इट इज नथिंग बट क्वांटम फील्ड थ्योरी। स्टैंडर्ड मॉडल भी तो क्वांटम फील्ड थ्योरी ही है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड मॉडल तो क्वांटम फील्ड थ्योरी ही है। यहाँ पे जो भी चीजें जैसे क्वार्क्स एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये भी क्वांटम फील्ड थ्योरी से ही आते हैं। सो इट इज ऑब्वियसली आई गेस इट वुड बी नो एग्जैगरेशन टू से इट वाज अ रियली डिफिकल्ट टॉपिक टू लर्न फॉर इवन एनी जीनियस टू ऑल्सो मास्टर। तो ऑब्वियसली बहुत कम लोग होते हैं जिसे एक्चुअली इस चीज को मास्टर कर पाते हैं, बिग प्रोफेसर्स एंड ऑल। तो इट इज ऑल्सो इनफैक्ट वन ऑफ माई पर्टिकुलर टारगेट्स कि मुझे क्वांटम फील्ड थ्योरी को मास्टर करना है। आई गेस मास्टर वुड नॉट बी अ वेरी राइट वर्ड टू से, मुझे क्वांटम फील्ड थ्योरी सीखना है एंड ऑल दिस। तो दैट इज क्वांटम फील्ड थ्योरी इज द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी दैट यू हैव इन ऑल दीज ब्रांचेस। यहाँ से आपकी फिजिक्स पूरी शुरू होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट से। यू लर्न थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पता चला इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एक टाइम जब चेंज होता है टाइम के साथ करंट चार्जेस चेंज होते हैं तब, तो ये कंबाइंड फेनोमेना है, इनकी कॉम्बिनेशन से ऑप्टिक्स बनता है। ऑप्टिक्स एंड इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटनियन फ्रेमवर्क में स्पेशल रिलेटिविटी बन गया, उसमें न्यूटन की ग्रेविटी को इंक्लूड करने के लिए जनरल रिलेटिविटी बन गया। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें छोड़ गई जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स एक नया ब्रांच आया। क्वांटम मैकेनिक्स में भी उतनी करेक्शन अगर आप देखोगे नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हो टाइम को एब्सोल्यूट माना गया था, देन यू हैव अर मोस्ट एडवांस्ड थ्योरी द स्टैंडर्ड मॉडल और द क्वांटम फील्ड थ्योरी, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की तरह ही है लेकिन यहाँ पे टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी। दैट वॉज माई टूडेज टॉपिक ऑन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसमें मैंने जो अप्लाइड ब्रांचेस हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किए, दिस इज मोर लाइक द ब्रांचेस ऑफ प्योर फिजिक्स दैट यू हैव ओवर हियर। ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।